हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 14 दिसंबर का करंट अफेयर साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले फटाफट -फट पिछले क्लास का क्विक रिविजन कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए लास्ट में आपसे दो प्रश्न पूछूंगा उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है अब चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आई वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव सेंटर द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर है इसमें भारत छप्पनवे स्थान पर है पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया 12 दिसंबर को लंदन में किस भारतीय को हाल ही में आउटस्टैंडिंग मीडिया और एंटरटेनमेंट श्रेणी में इक्कीसवीं सेंचुरी आइकन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है अमित गोयनका को ये जी इंटरटेनमेंट के अध्यक्ष हैं बहरीन के रिफा में संपन्न चौथे एशियाई युवा पैराखेल दो हजार में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं भारत ने कुल इकतालीस पदक जीते जिसमें बारह स्वर्ण पदक पंद्रह रजत पदक और चौदह कांस्य पदक हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है उत्तराखंड की सरकार ने इसरो ने भारतीय नेविगेशन प्रणाली नाविक के मैसेजिंग सर्विस के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए किसके साथ समझौता किया है चाइनीज मोबाइल निर्माता कंपनी ओप्पो के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को हाल ही में किस राज्य के हैदरपुर आर्द्र भूमि क्षेत्र को भारत के सैतालीसवें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है ब्रिटिश मानक संस्थान द्वारा आई एस ओ का प्रमाणन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला संगठन कौन बना है अपोलो टेलीहेल्थ ये कहां पर है हैदराबाद में है किस राज्य सरकार ने हाल ही में मनु बांकुल के सबरूम में एक बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है त्रिपुरा की सरकार ने तो त्रिपुरा में एक बौद्ध यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाएगा तो अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं पहला क्वेश्चन फार्मूला वन चैंपियन बनने वाले पहले डच रेसर कौन बने हैं या फिर क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि फार्मूला वन चैंपियन बनने वाले नीदरलैंड के पहले फार्मूला वन रेसर कौन बने हैं तो ये हैं Westapen, है मैक्स वेस्टापेन जो कि नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं इन्होंने हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है और इसी के साथ साल 2021 का इन्होंने फार्मूला वन चैंपियन का खिताब जीत लिया है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टापन के इस साल का ये दसवां खिताब था ठीक है दसवां जीत था इस साल सबसे अधिक फार्मूला वन रेस का खिताब मैक्स वेस्टापन ने ही जीता है दूसरे स्थान पर हैं कार के ड्राइवर लुइस हेमिल्टन जो कि ब्रिटेन के हैं उन्होंने इस साल आठ खिताब जीते हैं लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा सौ से अधिक बार फार्मूला वन रेस जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी लुइस हेमिल्टन हैं 2021 में जितने भी फार्मूला वन रेस हुए हैं उनमें सबसे अधिक खिताब मैक्स वेस्टापन ने जीता है दस खिताब जीते हैं याद रखिएगा ये कौन कौन से खिताब है एमिलिया रोमाग्ना जीपी यानी ग्रैंड प्रिक्स मोनाको जीपी, फ्रेंच जीपी, एस्टियर मार्क जीपी, ऑस्ट्रियन जीपी बेल्जियन जीपी, डच जीपी, मेक्सिकन मैक्सिकन सिटी जीपी, यूएसए जीपी अबुधाबी जीपी। जी पी लुइस ने भी आठ खिताब जीते हैं सऊदी अरब जीपी, ब्राजीलियन जीपी, कतर जीपी, रशियन जीपी ब्रिटिश जीपी, स्पेनिश जीपी पी जीपी और बहरीन जीपी इसके अलावा और खिलाड़ियों ने इस साल एक एक खिताब जीते हैं इसमें इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीते हैं ऑस्ट्रेलिया के डेनियल रिचार्डो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीते सर्जियो पेरेज जो कि मेक्सिको के हैं तुर्किश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीते हैं वाल्टेरी बोटास फिनलैंड के हैं हंग्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीते हैं एस्टेबन ओकोन जो कि फ्रांस के हैं बानचांग में आयोजित एशियाई नौकायन चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं तो हाल ही में एशियाई रोइंग चैंपियनशिप यानी एशियाई नौकायन चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड के रियोंग के बांचांग में किया गया था इसमें भारत ने कुल छः पदक जीते ऑप्शन बी राइट आंसर छः पदक में दो गोल्ड मेडल और चार सिल्वर मेडल ठीक है जो स्वर्ण पदक विजेता हैं उनका नाम खास करके ध्यान में रखिए एकल स्पर्धा में अरविंद सिंह ने गोल्ड मेडल जीता वहीं डबल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते अर्जुन लाल जाट और रवि थाईलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी है बैंकॉक यहां के सम्राट हैं वजीरा लोंगकोर्न प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चांद ओचा यहाँ की करेंसी है जिसका नाम है नेक्स्ट इंटरव्यू विद द वम्पायर उपन्यास के लिए विश्व प्रसिद्ध किस उपन्यासकार का हाल ही में निधन हो गया यह उपन्यास जो है 1976 में आई थी इंटरव्यू विद द वायर जो कि काफी प्रसिद्ध हुई थी पूरे विश्व भर में तो इसकी लेखिका हैं एनी राइस इनका हाल ही में 80 साल की उम्र में निधन हो गया है किस देश की थी अमेरिका की थी ठीक है और इनके जो ये उपन्यास है इस पर फिल्म भी बनी थी हॉलीवुड फिल्म काफी प्रसिद्ध हुई थी ये उपन्यास तो इसकी लेखक हैं एनी राइस इनका हाल ही में निधन हो गया है चलिए अगला क्वेश्चन नफ्ताली बेनेट अरब देश की यात्रा करने वाले पहले इजरायली प्रधानमंत्री बन गए हैं उन्होंने हाल ही में किस देश की यात्रा की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने गई है ठीक है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो भी अरब देश हैं और इज़राइल इन दोनों के बीच में काफ़ी दुश्मनी चलती आ रही है लेकिन हाल ही फिलहाल में कुछ ऐसे अरब देश हैं जिन्होंने इजराइल के साथ जो है राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं इसी सिलसिले में संयुक्त अरब इमारात की यात्रा करने वाले नफ्ताली बेनेट पहले इजरायली प्रधानमंत्री बन गए हैं पिछले साल सितंबर में संयुक्त अरब इमारात यानी यूएई और इज़राइल के बीच में अब्राहम समझौता हुआ था नोट करिए इसे अब्राहम समझौता किसके बीच में हुआ था यू और इज़राइल के बीच में ठीक है और इसी समझौते के तहत संयुक्त अरब अमीरात ने इसराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी और दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित किए गए और उसके बाद नफ्ताली बेनेट जो कि वर्तमान में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं ये हाल ही में यात्रा किए आधिकारिक यात्रा किए संयुक्त अरब अमीरात के तो पहली बार इजराइली प्रधानमंत्री ने किसी अरब देश की यात्रा की है दोनों देशों के बारे में जान लीजिए इजराइल जो है ये दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है और इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ लड़के और लड़कियों को हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद ट्रेनिंग के लिए मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करना अनिवार्य है मृत सागर यानी डेड सी जो है ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है इजराइल की राजधानी है जेरूसलम यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इस साख हरजोग प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट यहाँ की गुप्तचर एजेंसी है मोसाद ये विश्व प्रसिद्ध है याद रखिए यहाँ की संसद का नाम है नेसेट और करेंसी है न्यू शेकेल यूनाइटेड अरब इमारात की बात करें तो इसकी राजधानी है अबू धाबी यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम करेंसी है दिरहम चलिए अगला क्वेश्चन चंडीगढ़ की हरनाज कौर संधू मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली कौन सी भारतीय बन गई हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा 2021 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीत ली हैं हरनाज कौर संधू जो कि चंडीगढ़ की चंडी हैं और मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली ये तीसरी भारतीय बन गई हैं ऑप्शन बी राइट आंसर मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय थी सुष्मिता सेन उन्होंने उन्नीस में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था दूसरी भारतीय बनी थी लारा दत्ता इन्होंने 2000 हजार ईस्वी में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था और 2000 हजार ईस्वी के बाद पहली बार हरना किसी भारतीय ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है इनका नाम है हरनाज कौर संधू ठीक है तो ये कहाँ की हैं चंडीगढ़ की हैं मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था इजराइल में किया गया था इजराइल के आईलट में ठीक है मिस यूनिवर्स 2021 में फर्स्ट रनर अप कौन रही परागवे की नादिया फेरिरा फर्स्ट रनर अप यानी एक विजेता होता है जो सेकंड स्थान पे होता है उसे फर्स्ट रनर अप कहा जाता है और जो थर्ड स्थान प्राप्त करता है उसे सेकंड रनर अप कहा जाता है सेकंड रनर अप रही लालेला सुने जो कि साउथ अफ्रीका की, की हैं पिछले साल यानी 2020 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था एंड्रिया मेजाने जो कि मैक्सिको की, की हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं दो में इन्हें भी याद रखिएगा 2021 मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है श्रुति सितारा बनी है जो कि केरल की हैं मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन 2021 का खिताब किसने जीता पूजा इक्कीस ने ये गुजरात की हैं मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 की प्रथम भारतीय विजेता कौन बनी है डॉक्टर अक्षता प्रभु जो कि महाराष्ट्र की हैं मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता रश्मि माधुरी ने ये कर्नाटक की हैं मिस इंडिया दो का खिताब किसने जीता था पिछले साल मानसा वाराणसी ने ये तेलंगाना की है 2020 में मिस यूनिवर्स आंद्रिया मेजा ने जीता था मेक्सिको की है मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय कौन है रीता फारिया थी ठीक है और मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय कौन है अभिनेत्री सुष्मिता सेन चलिए अगला क्वेश्चन इस्तांबुल में संपन्न नौवीं पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है इस्तांबुल तुर्की में है तो इस्तानबुल में हाल ही में पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप के नौवें संस्करण का आयोजन किया गया था इसमें भारत के चंदीप सिंह ने सिल्वर मेडल जीता ऑप्शन सी राइट आंसर इस तरह से पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कोई मेडल जीतने वाले चंदीप सिंह भारत के पहले पैरा एथलीट बन गए हैं चंदीप सिंह किस राज्य से बिलोंग करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर के हैं और इस तरह से ये भारत के पहले पैरा एथलीट बन गए हैं जिन्होंने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कोई पदक जीता है और इन्होंने कौन सा पदक जीता रजत पदक यानी सिल्वर मेडल नेक्स्ट स्कूल छोड़ने वाले युवाओं को शिक्षित करने और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने उन्नति नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है तो हाल ही में दिल्ली की पुलिस ने उन्नति नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो भी बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उन युवाओं को शिक्षित करने और उन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दिल्ली की पुलिस ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं राकेश अस्थाना उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया दिल्ली की बात करें तो यहाँ से 2021 में बहुत सारे लेटेस्ट करेंट अफेयर बने हैं और ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है याद रखिए देश का मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और इस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अभिनेता सोनू सूद आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान भी शुरू किया गया है ऑपरेशन सतर्क अभियान चलाया जा रहा है देश का पहला स्मोक टावर दिल्ली में स्थापित किया गया दिल्ली एयरपोर्ट पर देश का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल भी स्थापित किया गया है दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और दो राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है उत्तर प्रदेश और हरियाणा यहाँ के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जिलों की संख्या 11 है मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं यानी दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं डी एन पटेल पुराना में धीरूभाई नारायण भाई, भाई पटेल दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या सात राज्यसभा सीट तीन विधानसभा सीट की संख्या सत्तर है अगला क्वेश्चन बारह दिसंबर दो को नई दिल्ली में स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किसने किया तो इसका उद्घाटन किए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑप्शन ए राइट आंसर तो 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति में अहम योगदान देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में इस पर्व का आयोजन किया जा रहा है ध्यान रखिएगा इस साल यानी 2021 में बांग्लादेश ने अपना 50वां मुक्ति दिवस मनाया है 1971 में यह पाकिस्तान से अलग होकर एक नया राष्ट्र बना था और ध्यान रखिएगा 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को सबसे पहले एक देश के रूप में मान्यता प्रदान की थी इसीलिए दोनों देशों ने हाल ही में मिलकर छह दिसंबर को हर साल मैत्री दिवस यानी फ्रेंडशिप डे मनाने की घोषणा की है चलिए अगला क्वेश्चन निम्न में से किस भारतीय को दसवें डॉक्टर ईडा एस स्कडर ह्यूमेटेरियन ओरेशन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है तो हाल ही में इस पुरस्कार के विजेता बने हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन अजीम प्रेम जी अजीम प्रेम जी जो हैं ये भारत के दिग्गज आईटी कंपनी है विप्रो उसके संस्थापक अध्यक्ष हैं इन्हें हाल ही में डॉक्टर ईडा एस स्काडर ह्यूमेटेरियन और पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार के ये दसवें विजेता बने हैं यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है तो यह पुरस्कार क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर और अमेरिका स्थित वेल्लोर सीएमसी फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है नेक्स्ट नीति आयोग ने हाल ही में किस राज्य में एक अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है Osionfish. तो हाल ही में नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में एक हज़ार अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है अटल टिकरिंग लैब क्या है ये तो छात्रों के बीच नवाचार का बढ़ावा देने के लिए अटल टिकरिंग लैब की स्थापना की जाती है तो नीति आयोग जो है जम्मू कश्मीर में इस तरह का एक हज़ार लैब स्थापित करेगा किस मिशन के तहत ये लैब स्थापित किए जाते हैं अटल इनोवेशन मिशन के तहत ये लैब स्थापित किए जाते हैं वर्तमान समय में अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक हैं चिंतन वैष्णव उनकी नियुक्ति इसी साल की गई है अब जानिए जम्मू कश्मीर के बारे में ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था 14 मई 1954 को और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यह अस्तित्व में आया 31 अक्टूबर 2019 को राजधानी श्रीनगर राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा यहाँ के चीफ जस्टिस हैं पंकज मिथल और जिलों की संख्या 20 है अब नीति आयोग के बारे में जान लीजिए नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया योजना आयोग के जगह पर इसकी स्थापना की गई थी एक जनवरी दो को नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार सीईओ हैं अमिताभ कांत अगला क्वेश्चन निम्न में से किसने पांचवी बार फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है तो 2021 का विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीते हैं मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं ये नार्वे के हैं और इन्होंने किसको हराया फाइनल में रूस के यान नेपो मनी को इन्होंने हराया और 2021 का विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीत लिया है इस तरह से पांचवीं बार ये चैंपियन बने हैं जो ऑप्शन सी नंबर पर हैं ये भारतवंशी हैं भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हैं अभिमन्यु मिश्रा और इसी साल अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं ठीक है विश्वनाथन आनंद ये भारत के प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर हैं चलिए अगला क्वेश्चन अच्छा ये जो फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप था इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था दुबई में किया गया था यूनाइटेड अरब इमारात के दुबई में चलिए अगला क्वेश्चन एक वर्ष की अवधि के लिए शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है तो शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बना है भारत ऑप्शन डी राइट आंसर एक वर्ष की अवधि के लिए इसका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है अक्टूबर 2021 से तो अक्टूबर 2022 तक भारत इसका अध्यक्ष बना रहेगा शंघाई सहयोग संगठन की बात करें यानी शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना की गई थी 15 जून दो ईस्वी इस को इससे पहले ये शंघाई फाइव ग्रुप के नाम से जाना जाता था शंघाई फाइव ग्रुप के नाम से इसकी स्थापना 26 अप्रैल उन्नीस में की गई थी मुख्यालय बीजिंग में है बीजिंग में ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी मुख्यालय है शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश नौ हो गए हैं ध्यान रखिएगा हाल ही में इसका नौवा सदस्य देश बना है ईरान ठीक है सभी सदस्य देश कौन से हैं रूस चीन किर्गिस्तान कजाकिस्तान ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान भारत पाकिस्तान और ईरान ईरान इसमें लास्ट में जुड़ा है वहीं भारत और पाकिस्तान जो है 2017 में एस सीओ के सदस्य बने थे आधिकारिक भाषा दो है चाइनीज और रशियन वर्तमान में एस सीओ के महासचिव हैं व्लादिमिर नोरो जो कि उज्बेकिस्तान के हैं तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का करंट अफेयर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना अब पिछले क्विज का आंसर जान लीजिए पहला क्वेश्चन था किस लेखक ने दिल्ली ए सोलिलो की पुस्तक के लिए 2021 का जे पुरस्कार जीता है एम मुकुंदन ने ऑप्शन सी राइट आंसर था जे पुरस्कार जो है भारत में साहित्य के क्षेत्र में सबसे उच्च राशि वाला पुरस्कार है इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है दूसरा क्वेश्चन था कैसरे हिंद किस राज्य की, की हाल ही में राजकीय तितली बनी है अरुणाचल प्रदेश की ऑप्शन डी अब चलिए आज का पहला है हाल ही में कहां पर भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया दूसरा क्वेश्चन है आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 17 से 19 नवंबर के बीच राष्ट्र रक्षा संबंध पर्व कहां आयोजित किया गया था दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर